कल विधानसभा की अगर बात की जाओ तो विधानसभा में सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा रहा है। कल विधानसभा में सेशन के अंदर विपक्ष के इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जी भी सवाल उठा रहे थे इस रोड का, और उन्होंने भी जो बातें अब हमने सरकार को बताई वो बातें बताई। 6 किलोमीटर का रोड तो 32 किलोमीटर पे हो गया है, और यहाँ से जब हमारे को जाना अगर सेक्टर 1-4 है, ग्लोबल है, सब्जी मंडी जाना है, तो यहाँ से सारा घूम कर वापस जाके 30-32 किलोमीटर पड़ते हैं। दूरियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। दूरी के अलावा हमारे गाँव की दुकानों का उजाड़ हो जाता है। ये बातें सेशन में सदस्यों ने रखी है, राम कुमार गौतम जी ने भी रखी है और अभी चौटाला जी ने रखी है। कांग्रेस नेता भी हमारे पास आए थे, वो भी आज भी सवाल रखे गए, नहीं रखने की कह रहे थे कल तक सेशन, जो नहीं रखी है वो कल तक विधायक सेशन के अंदर विधानसभा में हमारी बात रखेंगे। चाहे वो जेजेपी बीजेपी का विधायक जो हमारी बात रखता है, हमारे दुख दर्द को देखता है, वो अच्छी बात है और रखनी चाहिए। कोई गलत काम नहीं है, गलत मुद्दा नहीं है, गलत हमारी मांग नहीं है। कोई भी विधायक चाहे किसी भी पार्टी को, उसको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सभी विधायक, कोई ऐसा नहीं है हरियाणा जो इस रोड पर ना चढ़े हो। चंडीगढ़ रोड पुराना है, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार है, चाहे चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसी भी पार्टी का है, जो विधानसभा में 90 विधायक बैठे हैं, सबको हमारे दुख दर्द का पता है। जो दिक्कतें हमारे साथ आ रही है वो सबको पता है, और उनको मैं तो कहता हूँ सभी को हमारी बात विधानसभा में अगर किसी ने नहीं भी उठाई तो अब भी उठानी चाहिए। अगर बात की जाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके धरने पर आए थे, आश्वासन दे के गए थे कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन उन्हीं के पिता विधानसभा में आपने देखा चुटकुले सुनाने का काम कर रहे हैं, ना कि आपके मुद्दे की आवाज़ उठाने की बात। हमने ये बात भी ठीक है, कल उन्होंने ये बातें चल रही थी, आज कल आज हमने उनको भी कहा कि जो मुद्दे की बातें आप धरने पर आए थे वो बातें वहाँ रखवाओ, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कल तक है हमारा सेशन पूरा जोर शोर से आपकी बात रखी जाएगी। जोगीराम सिंह आपके बारे में क्या कहे हो गया आप, क्योंकि आज आपके मंच के माध्यम से भी कहा गया जोगीराम सिंह दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं। जोगीराम सिंह जी ऐसे था, सेशन में परसों उन्होंने बात उठाई थी कि मेरा एयरपोर्ट रोड तलमंडी रहना, उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी से उनकी बातचीत चल पड़ी डिप्टी सीएम साहब से, तो वो बोले अब रखने की जरूरत नहीं है कि डिप्टी सीएम साहब से मेरे से रोड की बात चल रही है, और रोड की बात चल रही है तो उन्होंने कल ये टीम भी गठित करवाने में वो साथ थे, इसलिए शायद विधानसभा में उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा होगा। उन्होंने मेरे को तो आश्वासन ये दिया बेचिंता रोड बना के दिया जाएगा, परंतु हम कह रहे विधायक जी पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए विश्वास ना करके पहले रोड बनवा के दे दिया जाए, तब हम धरना प्रदर्शन उठाने की बात करेंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि वो आपके साथ भी हैं और अभय सिंह चौटाला ने आपका मुद्दा उठाया और वो उनको बाहर निकालने में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें भी वो सहमत थे, वो साथ में थे, तो दोनों हाथों लाडू तो होते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो जी वो सरकार में है, अगर उनकी सोच ये है कि यहाँ ना बोलूँ रोड दिलवा दूँ, तो वो फिर भी अपना रोड दिलवाने का काम करें। सरकार के साथ है तो सरकार से कह के, डिप्टी सीएम साहब उनकी पार्टी के नेता हैं तो उनको कह देना चाहिए कि मेरा हल्का है, मेरे हल्के का तकलीफ है, और रोड की हाँ भरा के उनको मंजूर करवाना चाहिए। विधायक जी से कितनी उम्मीदें हैं अभी आपको? विधायक जी से सरकार के वो सदस्य हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार से वो बात बनवाने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं, क्योंकि जो आप चीफ सुपरिटेंडेंट पीडब्ल्यूडी भंडार आए हैं उन्होंने उस टीम को नियुक्ति करने में उनको भेजने में उनका हाथ है। एक और बता दें, इसके अलावा हमारे अब जो GLF की 10,000 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर कर रही है, हमने अब ये भी बात कल नहीं उठाई है कि हमारे जो घर बर्बाद हो गए, जिनकी दुकानें कारोबार रेडी सब्जी जिनका फैल हुआ है, या जो फार्म में कर्मचारी थे वो हटा दिए गए हैं, तो हमारा गांव सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। इसमें हमने मांग की है कि करीबन 500 मजदूर, चाहे उनको चाय की कैंटीन दें, चाहे DC रेट पर रखें, चाहे उनको काम दें, चाहे वेल्डिंग काम दें, मिस्त्री का दें, हमारे गांव के बेरोजगारों को 500 व्यक्तियों को नौकरी दिलाने का भी सरकार काम करे इस एयरपोर्ट में, जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो हमारे बेरोजगार तो सैकड़ों तो हटके आगे फार्म से, उनको और उनके परिवार को नौकरियों की मांग की है सरकार, एयरपोर्ट में हमारे को नौकरी दिलाने का भी काम करे।